दिल्ली में आयोजित मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस इंडिया फोटोजेनिक किताब से बिजनौर की शिल्पी त्यागी को नवाजा गया और यही वजह से बिजनौर की सरजमी पर अपने आवास पर पहुंची शिल्पी त्यागी का परिजनों सहित उनके दोस्तों ने स्वागत समारोह कर शिल्पी त्यागी को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसे लेकर ऐसी खुशी के मौके पर परिवार वाले बेहद खुश नजर आए। नहीं जा सकती हो तो तुम जाओ, आगे करो, मैं हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तो उससे जुड़े हुए और लोग भी हैं, अतुल भी है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शेन है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसके अलावा मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, हमेशा कहा है कि आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं। इन फ्यूचर मैंने ये सोचा हुआ है कि ये जो पीजे मैंने किया है इसने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक इस एक्टिंग फील्ड में एंट्री करने का, और सबके लिए और बिजनौर के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके शहर से कोई लड़की निकल जाती है आगे, और एक्टिंग में मैं जाना चाहती हूँ। इस पीजन के बाद मुझे एक ऑफर भी मिल गया है एक म्यूजिक एल्बम का विद नॉन सिंगर, जिसमें नॉन सिंगर होंगे राहुल जैन, उन्होंने बहुत म्यूजिक एल्बम्स बनाई भी हैं और वो मूवीज भी में डायरेक्ट किया है उन्होंने मुझे ऑफर दिया है, और उनके साथ जो फीमेल सिंगर होंगी वो रितु पाठक होंगी जो बहुत अच्छी रिनाउंड सिंगर है, जिन्होंने सॉन्ग भी गाया था ये जलेबी बाई वाला, तो बहुत बड़ी बात है, और उनके साथ शाहिद मालिया सिंगर होंगे। तैयारी की बात करें तो किस तरह तैयारी करती थी आप? तैयारी तो हमने मतलब ऐसा कर दिया है कि शायद मैं पूरा 24 घंटे में एक घंटा सोया करती थी और 23 घंटे में अपनी तैयारी करा करती थी, ये सोच के कि मुझे जितने 35 कंटेस्टेंट थे लड़कियों में भी लड़कों में भी, तो मुझे ये लगता था मुझे इन लोगों को पीछे छोड़ना है, ये जो मुझे आगे जाना है। ये जो ये मिशन है ये कितने लोग शामिल थे और कहाँ क्या है इसके बारे में बताइए। ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ऑडिशंस हुए थे, बहुत जगह हुए थे इसके ऑडिशन, 34 सिटीज में हुए थे इसके ऑडिशन, तो इसका सेमीफिनाले हुआ था इलाहाबाद में जो मैंने किया था, उसमें से टॉप 10 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी और टॉप 10 बॉयज सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद फाइनल हुआ, फिर कुछ और भी कंटेस्टेंट आए थे, तो ओवरऑल वाइल्ड कार्ड से करके 35 कंटेस्टेंट हुए थे, उसके बाद दिल्ली में ये हुआ था फाइनल रेडिसन होटल में, वहाँ पे फाइनल हुआ था इसका, जिसमें जो जज रही है वो एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला रही है, रणविजय सिंह रहे हैं जो रोडीज विनर रहे हैं, और उसके अलावा डायरेक्टर मधुर भंडारकर रहे हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं सबको पता है, उन सब ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसको ऑर्गेनाइज टीम प्रोडक्शंस करवाते हैं, उन्होंने ही ये मुझे मौका दिया है, उन्होंने ही मुझे सिलेक्ट किया है। कौन सी टीम प्रोडक्शन? ड्रीम प्रोडक्शन। ड्रीम जी, उसका नाम है ड्रीम प्रोडक्शन। जो जूनियर्स हैं जो आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि ये मत सोच के बैठिए कि एक दिन में आपको लाइफ का वो बहुत बड़ा जो आपने गोल डिसाइड किया वो एक दिन में मिल जाएगा, तो आपको पेशेंस रहना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, बी पॉजिटिव और ये सोचो कि हम ही कर सकते हैं, जब आप सोचोगे कि यू आर ऑन द टॉप देन यू विल बिकम ऑन द टॉप, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा पेशेंस रहें, हार्डवर्क करें, अपने से सीनियर लोगों से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, और अपने जो साथी है उनका थोड़ी साधना छोड़ें। क्या दिक्कतें क्या है आपको ये करने में, क्या परेशानी? दिक्कतें तो आई हैं क्योंकि मैं, आपने शायद आर्टिकल में देखा भी होगा, मैं साथ साथ जॉब भी करती हूँ एक आईटी कंपनी में, एक्सेंचर में मैं सिस्टम इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ, तो बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता था कि वहाँ से अपना जॉब खत्म करके मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं एक घंटा भी शायद मुश्किल से सोती हूँ, कई बार तो ऐसे भी टाइम आया। थैंक यू।